नमस्कार, आप देख रहे हैं इंद्रप्रस्थ न्यूज। बिहार विधानमंडल के बजट सत्र के दौरान शुक्रवार को एक अजीबोगरीब घटना देखने को मिली। मुख्य विपक्षी दल आरजेडी के विधान पार्षद सुबोध कुमार राय ने नीतीश सरकार को घेरने के लिए अनोखा तरीका अपनाया। वो एक जिंदा चूहे को चूहेदानी में लेकर बिहार विधान परिषद पहुँच गए। आरजेडी विधायक ने कहा कि बिहार में बांध को खाने वाला, शराब को गटकने वाला और अस्पताल में रखे सलाइन पीने वाला अपराधी चूहा आज पकड़ा गया है। राय ने कहा कि अब राज्य की एनडीए सरकार को चाहिए कि इस बदमाश चूहे को कड़ी से कड़ी सजा दे। चूहे को लेकर इस प्रदर्शन में आरजेडी के साथ कांग्रेस के विधान परिषद सदस्य भी शामिल हुए। इस दौरान विधान परिषद के गेट पर काफी देर तक चूहे को लेकर ड्रामा चलता रहा। बताते चले कि बिहार विधानसभा चुनाव सितंबर अक्टूबर में हो सकते हैं। इसे देखते हुए राज्य में सत्तारूढ़ गठबंधन और विपक्षी महागठबंधन में वार पलटवार शुरू हो गया है। इस दौरान आरजेडी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने कहा कि कुछ साल पहले जल संसाधन विभाग का बांध टूट गया था, तब तत्कालीन मंत्री ललन सिंह ने कहा था कि चूहों की वजह से बांध टूटा है। नीतीश सरकार चूहों पर दोषारोपण करती रही है, इसीलिए सजा दिलाने के लिए आरजेडी के सदस्य चूहा लेकर पहुंचे हैं। दरअसल बिहार में पिछले कुछ वर्षों में कई मामलों में गड़बड़ियों के लिए चूहों को जिम्मेदार बता दिया गया था। आरजेडी ने इसी पर तंज कसते हुए चूहे का सहारा लिया। हालांकि बिहार सरकार में मंत्री नीरज कुमार ने पलटवार करते हुए कहा कि चूहा गणेश जी की सवारी होता है, जो ज्ञान देने वाले देवता हैं, उनकी कृपा से भ्रष्टाचारी पकड़े जा रहे हैं और विपक्ष बौखलाया हुआ है। उनका कहना था कि चूहा लाकर विपक्ष ने हल्की राजनीति दिखाई है। इस रिपोर्ट में इतना ही। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि इस तरह की खबरें आपको लगातार मिलती रह सकें।